Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss 5 most important questions for your econometrics subject. We have already covered microeconomics and macroeconomics. जैसे हम वहां पे कर रहे थे कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट या रिपीटेटिव क्वेश्चंस उठाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं और उसके साथ साथ आगे पीछे के भी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी रिविजन यहीं पे ही हो जाए. वही मेरा एम इस वीडियो के साथ है. So before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So starting with your question number 1, in a multiple linear regression with 4 independent variables, the overall regression significance is to be tested. Which test is should be used? Z-test, F-test, chi-square test or t-test? So let's discuss all these tests one by one. तो जो z टेस्ट है आपका, आप तब यूज करते हो व्हेन योर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30. इफ योर सैंपल साइज इज लेस देन 30, देन यू आर गोइंग टू यूज t टेस्ट. ऑल्सो योर डेटा पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये दोनों में है ये दोनों पॉइंट्स कि आपके t टेस्ट में भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और डेटा पॉइंट्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आपके z टेस्ट में भी. Your data should be randomly selected from the population when each item is has its own equal chance of being selected. तो ये आपके z test के हो गया. और z test को जब आप calculate कर रहे होते हो then you are taking one variable into consideration. Also when you are calculating t test तब भी आप एक ही variable को लेके चल रहे हैं. Next is your chi test. Chi square test आप क्यों use करते हैं? क्योंकि आपको गुडनेस ऑफ फिट देखना होता है मॉडल का. काई स्क्वेयर टेस्ट को गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं. और आपका पर्पस क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स जब आपको देखना होता है. तो अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं एक्स वन एंड एक्स टू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके वाई को या कि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन कर रहा है. काई स्क्वेयर हम तब यूज करते हैं जब हम इन दोनों का रिलेशन देख रहे होते हैं. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं? दो वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज योर एफ टेस्ट. अब एफ टेस्ट आप कब यूज करते हो? व्हेन यू आर लुकिंग एट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिग्रेशन, तो आप एफ टेस्ट यूज करते हो. और उसमें आप कितने वेरिएबल्स यूज करते हो? उसमें आप दो काई स्क्वेयर टेस्ट यूज करते हो. दो काई स्क्वेयर का मतलब है 4 वेरिएबल्स, क्योंकि एक काई स्क्वायर में यू आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स. सो द योर करेक्ट आंसर इज, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपका इस कॉन्सेप्ट को समझ के आपको क्या लग रहा है कि आंसर क्या है. तो लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज बी, एफ टेस्ट, क्योंकि हमने 4 वेरिएबल्स देखने हैं और ओवरऑल रिग्रेशन देखना है पूरे मॉडल का. सो एफ टेस्ट इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइज लीस्ट स्क्वेयर मेथड या फिर ओएलएस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विल नॉट बी सुटेबल फॉर डीलिंग विद फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. विल नॉट बी सुटेबल. ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस, हेट्रोस्कैडास्टिक डिस्टर्बेंस, मल्टीकोलिनियरिटी और योर एरर्स इन वेरिएबल्स. अगर वेरिएबल्स में ही एरर है तो फिर तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. देन यू हैव टू डू योर सैम्पलिंग अगेन. लेट्स डिस्कस अदर्स वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ हेट्रोस्कैडास्टिसिटी. हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का मतलब होता है वेरियंस ऑफ म्यू आई, आपके एरर टर्म्स की जो वेरियंस है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास है पार्क टेस्ट, ग्लेक्सर टेस्ट और वाइट टेस्ट. ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है. बाकी भी जितने टेस्ट है मैंने वो यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हेट्रोस्कैडास्टिसिटी किस का कौन सा टेस्ट है. तो हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? आपका जो मॉडल है वो कंसिस्टेंट रहता है, अनबायस्ड रहता है, लेकिन इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि अब वेरिएंसेस जो है आपके एरर टर्म्स की वो कांस्टेंट नहीं रही है. तो क्या आप ओएलएस में ही रह के इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, आप अपने मॉडल को चेंज कर सकते हैं और ऐसी एरर टर्म्स को डिवाइस कर सकते हैं जिसका वेरियंस फिर से कॉन्स्टेंट हो जाए. मतलब आपका जो मॉडल है रिग्रेशन का वो होमोस्कैडास्टिक हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर ऑटो कोरिलेशन. ऑटो कोरिलेशन का मतलब है कि कोवेरियंस ऑफ आपके एरर टर्म्स, दो एरर टर्म्स की कोवेरियंस 0 नहीं रही है. तो 0 होनी चाहिए. अब आप ग्राफ से भी देख सकते हो ऑटो कोरिलेशन को. अगर आप
ड्रॉ करना चाहे UI और UJ के बीच में, तो नो ऑटो कोरिलेशन का मतलब है ये हर क्वाड्रेंट में होगा और रिलेटेड नहीं होंगे. आपका ऑटो कोरिलेशन अगर प्रेजेंट होगा तो यही ग्राफ आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा. अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है ऐसे μi और μj का, दो एरर टर्म्स का अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो और वो अपवर्ड स्लोपिंग है, देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. ऐसे अगर नेगेटिवली स्लोप होगा तो यू विल गेट अ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन. सो दिस वॉज योर ऑटो कोरिलेशन. इसको टेस्ट करने के लिए क्या तरीके है कि आप या तो ऐसे ग्राफ प्लॉटिंग से देख लो, या यू हैव द रन्स टेस्ट और यू हैव द डर्बिन वॉटसन डी टेस्ट. डर्बिन वॉटसन डी टेस्ट इज द मोस्ट फेमस टेस्ट एंड यू विल गेट वन और टू साइड्स इन एवरी क्वेश्चन पेपर. तो ये जो आपका ऑटो कोरिलेशन होता है इसको भी आप अगर वेरियंस को कोवेरियंस को चेंज करना चाहे अपने μi's की, तो आप चेंज कर सकते हैं एरर टर्म्स को. OLS में रह के यू कैन डिवाइड अ न्यू कोवेरियंस जिसका जो जीरो हो, तो आपका नो ऑटो कोरिलेशन आप कर सकते हो आपने OLS से ही. नेक्स्ट इज योर मल्टीकोलिनियरिटी. मल्टीकोलिनियरिटी इज अ सिचुएशन इन विच टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल आर हाईली लीनियरली रिलेटेड. तो आप पहले तो ये कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कर रहे हो, एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो कैसे रिलेटेड है, वो आपस में रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड है. जैसे कि x1 इज इक्वल टू 2x2 ही हो जाए, लीनियरिटी बिल्कुल ही लीनियरली रिलेटेड है और एकदम परफेक्ट रिलेशन है, हाईली रिलेटेड है. थोड़ी बहुत अगर मल्टीकोलिनियरिटी होती है आपके मॉडल में तो यू कैन स्टिल वर्क आउट दैट मॉडल, उसको आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो मल्टीकोलिनियरिटी है वो डिग्री का एक प्रॉब्लम है. अगर ज्यादा है वो आपके मॉडल पे, देन यू कैन नॉट डू मच विद दैट सैंपल. आपको सैम्पलिंग ही दोबारा से करनी पड़ेगी और आपका OLS तो काम नहीं करेगा आप अपने मॉडल के लिए. रिग्रेशन आप OLS से नहीं कर पाएंगे. इसको टेस्ट करने के लिए भी एक फ्रिक्स कॉन्फ्लुएंस टेस्ट होता है, एक फरार ग्रोवर टेस्ट होता है. ये दो टेस्ट होते हैं आपके मल्टीकोलिनियरिटी के. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ दैट यू हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. सी इज योर करेक्ट आंसर, 3 and 4, क्योंकि मल्टीकोलिनियरिटी इज नॉट सुटेबल फॉर योर OLS. So this is a match the following question, your question number 3. So list 1 और list 2 को ध्यान से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. So contingency जो टेबल होती है वो आप goodness of fit जब devise कर रहे होते हो तब use कर रहे होते हो. तो इसका मतलब कि आप chi square जब use कर रहे होते हो तो आप contingency टेबल बनाते हो अपने पूरे कि x1 और x2 के क्या relation आ रहा है. So आपका ए पार्ट इज रिलेटेड विद योर 3. यूनिट रूट जो टेस्ट होता है हमारा, दैट इज अ टेस्ट फॉर स्टेशनैरिटी, तो इसका 1 हो गया. फिशर्स एफ टेस्ट, वो वही फिशर्स टेस्ट एफ टेस्ट है जो अभी हमने पढ़ा, और वो किसके लिए हम यूज कर रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ द ओवरऑल रिग्रेशन. ये हमें पता है, ये हमने अभी रिवाइज किया है, तो इसका हो गया 4. एंड देन यू आर लेफ्ट विद योर ग्रैंगर्स टेस्ट जिसका आंसर हो गया कॉजैलिटी. सो लेट मी नो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो योर करेक्ट कोड आंसर इज ए. ए इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स डिस्कस वन मोर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये 2 उठा लिया आज. कि आपका डेल्फी मेथड जो है वो किस लिए यूज होता है, फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है. योर डिक्की फ्यूलर टेस्ट किसके लिए यूज होता है, योर स्टेशनैरिटी. अच्छा, डिक्की फ्यूलर टेस्ट और जो आपका यूनिट रूट स्क्वायर मेथड है वो सेम ही है, उसके नाम है ये डिक्की फ्यूलर टेस्ट. डर्बिन वॉटसन टेस्ट अभी हम करके आए हैं कि ऑटो कोरिलेशन के लिए होता है. देन यू हैव योर स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ये भी अभी हमने किया है, वो किस लिए होता है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन. सो दिस इज समथिंग दैट वी नो ऑलरेडी. सो आपका सीक्वेंस बन गया 4, 1, 2, 3 एंड योर करेक्ट आंसर इज सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन.
When the null hypothesis is there as an inequality, the level of significance is the probability of making type 2 error, type 1 error, type 1 and 2 both, type 1 and 3. इसको एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं कि आपकी जो type 1 error होती है वो क्या होती है? Rejecting the null when it is true. तो आपकी type 1 error का मतलब हो गया, ये वाला जो level of significance होता है, ये आपकी हो गया type 1. और type 2 error क्या होता है? Accepting the null when it is false. तो आपका ये एरिया तो बीच वाला हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नल, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज देयर इनइक्वालिटी एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज मेकिंग ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक फॉर इकोनॉमेट्रिक्स. अगर नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको टॉपिक पहले रिवाइज करना हो आप मुझे बता देना. 10 टॉपिक है टोटल, उसमें से हम 3 ये रिवाइज कर चुके हैं आपके UGC NET के. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.